नमस्कार पिताजी। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या हाल चाल है? बढ़िया 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 जी बढ़िया। क्या कर रहे हो साहब आज? पछाड़ी बना रहे हो। अच्छा, पछाड़ी किसको बांधने के लिए? पछाड़ी घोड़े लगाने के लिए पछाड़ी। ठीक है ठीक है। फिर वीडियो बना रहे हैं? जी वीडियो बन रही है। यूट्यूब साथियों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ मेरे भाई सारे ठीक ठाक होंगे। पछाड़ी बना रहे थे भाई साहब। वैसे हम कई बार रस्से की पछाड़ी बनाते हैं तो पैर काट देती है, ये एक पछाड़ी बनाने का तरीका है, बिल्कुल सही दिखाता हूँ आपको। जब हम व्यापार करते थे तब मैंने सीखा था ये। फकीरे से फकीरा व्यापारी होया करता है, उससे सीखा था मैंने जब मैं बच्चा ही था। आज बनाता हूँ मैं वही। ये अपने लेनी है जी, मेरी ब्लैथ इतनी कह अंदाज से 8 के 9 इंच की होगी, मतलब लगभग 18 इंच 19 इंच 20 इंच की रख लो आप। 20 इंच लेंथ रखनी है और 80 सूत की हो तो बढ़िया है। यहाँ पे एक गांठ लगा लो, सबसे पहले यहाँ एक गांठ लगाओ। ये देखो गांठ लग गई। 20 इंच रस्सी को डबल कर लो। हाँ 20 इंच, ये देखो ए होगी 2, ए होगी 3, ये होगी 4, ये होगी 5, ना 5, ओए ना, ये होगी 6, मतलब 6 टर्न ले लो उसकी, 1 2 3 4 5 6 होगी। ठीक है जी, दोबारा फिर यही एक गांठ लगा लो, यहाँ एक गांठ लगा लो, ना पैंथर है, यहाँ एक गांठ लगी। फिर ये देखो ऐसे लगी ना गांठ, ये सही होया। तो फिर यहाँ पे इसको 3 लड़े 6 6 लड़ है ना, ये 6 6 के 3 कर लो ऐसे, 2 3 एक साइड और 3 एक साइड, इसको ऐसे मारो लपेटा। देखो ऐसे नजदीक करके दिखा, ये रस्सी का ऐसे, ये देखो ऐसे लग गया, ये ऐसे घुमा के अंदर से पैंथर ना, ये देखो ये लग गया, ये हो गया। ऐसे चलाना है इसको, फिर इसको ऐसे ही ऐसे निकालो और अंदर से निकाल निकाल के, हाँ और ऐसे निकलिया, ये फिर ऐसे निकालो, ये देखो ऐसे डाल के अंदर से निकालना है इसको ऐसे, ये देखो फिर इसको इधर से निकालो ऐसे। ये अद्धियां रस्सियां दे ऊपर दी टपा रहे हो तुसीं है ना? नहीं सारियां दे, अद्धियां दे नहीं सब दे, तिन्नां दे तो 3 इधर 3 इधर। सही है, अगर ज्यादा मोटी बनानी है रस्सी आपकी पतली है तो आप 4 4 ले लो, 8 कर लो, लेकिन ये रस्सू थोड़ा मोटा है, बस लगभग एक उंगली का ये बनाना है आपने। ठीक है ना, इसको बना के एक बार छोड़ दो लगभग 1 1.5 इंच, 1 1.5 इंच बना के छोड़ के फिर इसको क्या करना है अपने, मतलब इसको इधर से पकड़ना और इसको मतलब ये यूं कर लेना उल्टा, ये देखो दोबारा करके, ये देखो ये अपने पहले तो अपने लगा लिया ऐसे जी, यहाँ पे थोड़े से बंद लगा लिए, लग गए बंद जी जी, बंद लगने के बाद फिर अपने इसको ऐसे कर लेना ऐसे, देखो ये यूं कर लेना। ठीक है, यूं हो गया? हो गया, ऐसे कर लो जी। हो गया जी जी, पाने के बाद इसको पकड़ लेना ऐसे जी, पकड़ लो, यही रस्सी है जो जी, ये तो यही यूज कर लो आगे जी, मतलब यही रस्सी जो अपने छोटी थी इसका ये साइड कर लो, पहले का ये देखो जी, ये रस्सी हमने छोटी थी ना जी, वही रस्सी है ये जी जी। इसको फिर 3 कर लो 3 3, मतलब सही है 3 3, समझ गए, 6 6 6 12 होगी ना ये, तो ये 3 और 3 6 6 हो जाएंगे नीचे, ये देखो ये हो गए, दिख गए? ये पहले अपने 3 3 में टपाया ना जी, तो अब ये छोड़ एक बार बेटा छोड़ दे, हाँ देख दिखाओ उधर, ये लग गया सिंगल, लगने के बाद अपने इसको इसके अंदर से टपाना है ऐसे, ये देख छल्ला बन जाएगा, बन गया, ये हो गया,
इसको फिर लंबा कर लो अपनी उससे हिसाब से। फिर ये देखो छह ऊपर और छह नीचे है तो 12 होगी। ये देखो ऐसे कर लेना इसको, पकड़ इसको बेटा, फिर ऐसे ही टपाना अपने चालू कर देना इसको, ये ऐसे। ये देखो इधर ले आओ, नीचे से निकाल के ऐ कर दिया, इधर से शुरू कर दो। ये देखो वैसे ही फिर चल पड़ेगा ये, ये रहा। हो गया जी। फिर इसको ऐसे खींचते चलो बस, थोड़ा ज्यादा टाइट नहीं रखना, थोड़ा सा अपने इसको ढीला रखना, मतलब बहुत ज्यादा टाइट भी ना हो। लगभग 3 को अंगल अपने ये बंद मारने हैं। ये हो गया, अब रफ्तार बन जाएगी इसकी। ये देखो ये गले का गलखोड़ भी बहुत अच्छा बनता है, अपने नुकरे बछेरे के गलखोड़ बनाने हैं, पछाड़ियाँ भी उसी के लिए बना रहे हूँ। उसको नया रस्सा डालिया, बांधना शुरू किया अपने। और एक पछाड़ी घोड़े के लगनी चाहिए, बहुत ज़रूरी होती है, बहुत तगड़ी एक्सरसाइज है। 1 घंटा 1.5 घंटा हर घोड़े के पछाड़ी लगनी चाहिए, जो खास करके फार्मों वाले हैं ना भाई लोग, वो पछाड़ियाँ नहीं लगाते। लोगों ने एक फैशन बना लिया भी, मतलब खुला छोड़ दो जी, खुला छोड़ दो, ठीक है खुला भी छोड़ो घोड़े को, लेकिन 1 घंटा घोड़े को पछाड़ी जरूर लगानी चाहिए। घोड़े की रांत चौड़ी होती है, घोड़े के पीछे वाले मसल मजबूत होते हैं, उसकी शेप अच्छी बढ़ती है, छाती बाहर को आती है, पुट्ठे चौड़ाईदार होते हैं, और डिसिप्लिन होता घोड़े। घोड़े सबसे बड़ी चीज है, घोड़ा कायदे में होना चाहिए, बेकायदा घोड़ा जो वो काम का नहीं है, बेअदब नहीं होना चाहिए घोड़ा। तो घोड़े को जब बंद हो गए पछाड़ी लगाओगे तो अदब में आ जाएगा। ये थोड़ी सी रस्सी अपने कम पड़ेगी, और ले लो छोटी सी, ऐसे इसको कोशिश करके, मतलब एक सूतली आती है जो पटसन की होती है उसकी बहुत बढ़िया बनती है। ये भी सूत की भी अच्छी बन जाती है, लेकिन अगर वो सूतली हो ना, सेबा जिसको बोल देते हैं हम, पटसन का सेब पतला, इससे वो पतला होता है थोड़ा सा, तो वो 3-3-6 की बजाय उसको डबल कर लो, 12-13 लड़ी कर लो उसकी, मोटी फिर थोड़ी मुझे मोटी हो जाती है, अच्छी लगती है। तो ऐसे ही गलखोड़ बन जाता है ये, जैसे 2 गीट ब्लैंथ का आपने बनाया, 2 ब्लैंथ से ऊपर है ये, मन से 18-20 इंच का रख लो, ये बहुत होता है, 20 इंच का घेरा होगा ना तो पछाड़ी पूरी बढ़िया आएगी, क्योंकि कुछ रस में भी आ जाएगी पछाड़ी। ये देखो इसको बहुत ज्यादा टाइट नहीं रखना, थोड़ा ढीले हाथ से इसको बनाना, ना तो ये पछाड़ी पैर से निकलेगी कभी, ये निकलती नहीं है। ये देखो बन गई ना, हो गया। फिर बस इसको और क्या करना है, कुछ नहीं करना, फिर इधर से पकड़ो ऐसे और इसको खींच दो, इसको खींच एक एक करके, ये रस्सी खींच खींच ले, धीरे धीरे खींच ले, खींच ले, बस छोड़ दो। ये देखो ये गांठ बन गई इसकी। हाँ वो ले आना, थोड़ी बड़ी थी यहाँ पर, वो पड़ी पीछे से, ये फालतू जो रस्सी है इसको काट दो। ये देखो ये देखो ये बन गया गोल गांठ, होगी ये निकलेगी नहीं आप, अब इसको जो लगानी है अपने, जो बड़ा रस्सा ले जाके तो इसको हमेशा दूरा कर लो। ये देखो हो गया बराबर, लड़े सारी बराबर हो। ये देखो ये होगी बराबर, ये बन गया। अब अपने आगे जो पीछे वाला रस्सा लगाना है, इसको ऐसे पकड़ो, दोनों हाथ से पकड़ो। ये देखो इसको बीचों बीच पकड़ो ऐसे, ये रस्सा घुमाओ ऐसे,
अब इसको ऐसे घुमाओ और इसको ऐसे घुमाओ, देखो ये गांठ लग गई ठीक है। और यहाँ पे बंद बंद लगाते हैं अभी तेरे को, नहीं तो लंबी हो जाएगी, नहीं तो पीछे वाला बंद भी लगाना सिखाता तेरे को। साफ काम अच्छा लगता है, मजबूती होती है, खुलता नहीं है ये। अब देखो ये देखो बन गया, मेरे हाथ पे लागे, ये देखो ये ज्यादा थोड़ी बड़ी है, अगर लंबी हो जाए तुम्हारे तो भी बड़ी बात नहीं है, यहाँ से निकाल लो एक बार ठीक है। अगर ये देखो ये तो चलो अपने पूरी लगाई, ऐसे घुमाओ थोड़ा और इसके लगा दो ऐसे बड़े, ये देखो ये लग गया बंद, ये देखो ये लो ठीक है। पीछे वाला बंद भी बताता हूँ तेरे को लगाना, पीछे लगाते हैं जो इसके तो ये रस्सी है ना जो, ये भी फिर सही लगती है दिखने में, ये देखो छोटी सी रस्सी लो ऐसे ही, इतनी बड़ी छोटी सी, बड़ी नहीं ज़्यादा लेनी, एक डेढ़ ब्लैच की हो, एक मुट्ठी भर का ये है ना, इतनी लंबी कर लो ये रस्सी, ये देखो ऐसे रखो इसको, डबल कर लेना इसको, ये ऐसे डबल होगी ना जी। हाँ एक इधर छोड़ देना, इधर से पकड़ना, हाँ ऐसे देखो दिख रही है ना जी जी बिल्कुल, ऐसे रख लिया जी जी। तो इसको ये ऐसे घुमाओ, थोड़ा छोड़ के छोड़ लो इसको ऐसे, रस्सी बड़ी है बहुत ज्यादा बड़ी है, काट लो कोई बात नहीं काट लेते, इसको ऐसे चिंते जाओ ऐसे, ऐसे रहना चाहिए ठीक है। देखो ऐसे इसको अंगड़ी से दबा बैठा, देखो ऐसे ऐसे, इसको बंद बोलते हैं, बंद लगाना, ये गांठ कभी खुलेगी नहीं कभी भी, इसकी मजबूती रहेगी। ये देखो ऐसे लगाते हैं, बहुत ज्यादा खींचना नहीं है, मतलब ढीला भी नहीं छोड़ना और टाइट भी नहीं रखना ज्यादा, बहुत ज्यादा भी खींचना नहीं है, ये देखो यहां तक आ गया जी। अब यहाँ से ये दो, ये डबल रहेगा ना इधर, ये देखो ये डबल है अपने पास ये जी। और फिर इसको क्या करना है, इसके अंदर से टपा दो ऐसे, ये देखो ऐसे खींच गया ना, ये हो गया, और ये रस्सी जो बची है इसको ऐसे खींच दो जी, ये देखो इसको बची हुई रस्सी को काट दो, ये देखो बन गया बिल्कुल सही हुआ जी। ये जैसे थोड़ा सा इसमें जला दो, ये आगे रस्सा फिर बाद में गांठ नहीं निकलेगी ठीक हो गया। इसको खोलना भी आसान है, खोलना खोलना भी आसान है, ये तो खोल के ये देखो ये ऐसे ही तेरे को गलखोड़ भी बनाना सिखाऊंगा, गलका गलखोड़, ऐसे घोड़े को खोलते हैं तो खुल जाता है, फिर वो गांठ वोट लगाते हैं तो खोलना मुश्किल हो जाता है। चलो जी अपने व्यूअर्स नु पिताजी फिर कर दो नमस्कार। जी नमस्कार यूट्यूब साथियों, उम्मीद करते हैं भाई सब ठीक ठाक होंगे, बनाते हैं एक दो, जैसे ये एक घोड़ी आई है हमारे पास, उसके डम लगाने हैं पीछे, वो मैं बताता हूँ बड़ी, वो जो वो अलोप हो गया सिस्टम बहुत, मतलब मैंने भी अपनी जिंदगी में 5-7-10 बार ही वो किया, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा लगाना, पाकिस्तान में तो कई उस्ताद वो लगाते हैं लेकिन अपने इधर बहुत कम लगाते हैं, कोई दिल्ली वगैरह में होंगे तो होंगे लेकिन बहुत कम है, वो अब मैं घोड़ी के लगाऊंगा तो उस दिन आपको वीडियो बना के लगाऊंगा जी। नमस्कार।